रायबरेली बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदले जाने से नाराज कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मामला बनारस में स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम का है, जहां प्रधानमंत्री के द्वारा बनारस के पुराने प्रतिष्ठित स्टेडियम के आधुनिक निर्माण का उद्घाटन करने के साथ स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। उसकी गौरवशाली विरासत का अपमान बताया गया। केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्य से काशी के साथ पूरे देश के लोग आहत और दुखी हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे राजनेता का नाम किसी प्रतिष्ठा से हटा दिया जाना काशीवासियों के लिए भावनाओं का अपमान नहीं, बल्कि काशी की आचार्य परंपरा और सत्य त्याग नैतिक मूल्यों का अपमान है। इसी से नाराज कांग्रेसियों ने सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ये क्या नाम है आपका, क्या ज्ञापन दे रहे हैं? धीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी रायपुर। क्या ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, अभी बनारस में हमारे राजनेता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंदुस्तान ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पे बनारस में एक स्पोर्ट्स कॉलेज था, उसके नवीनीकरण के नाम पे वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उसका नाम बदल के बनारस स्पोर्ट्स अकादमी कर दिया गया। तो ऐसे महान नेता जिनका एक बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में था, स्वतंत्रता संग्राम में था, ऐसे और बनारस के एक बड़े विद्वत जनों में से थे और वाराणसी के नामकरण में भी उनका एक बड़ा नाम माना जाता है। तो ऐसे महापुरुषों का नाम बदल दिया जाना ये निहायत ही घृणित है, निंदनीय है, क्योंकि ये केंद्र सरकार और भाजपा सरकार का ऐसा रहा ही कि जिन लोगों ने समाज और देश के प्रति योगदान किया, महान हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इसी तरह गुजरात में मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम भी इस सरकार ने नरेंद्र मोदी के जी के नाम पे कर दिया गया। तो महान नेताओं की निशानी, उनके कार्यों को ये ख़त्म करने की साजिश है। इस घटना से संपूर्णानंद जी का नाम स्पोर्ट्स कॉलेज से हटाने से पूरा देश के लोग दुखी हैं, बनारस के लोग दुखी हैं और हम सब लोग, जिला और शहर कांग्रेस के लोग सब, हमारे साथ वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध कर रही है, पूरे देश का। अगर इसका नामकरण दोबारा से डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पे नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में छिड़ सकता है।